हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और भगवान करे आप सबका ये साल बहुत ही अच्छा जाए। और फिंगर क्रॉस मेरे लिए भी है कि मेरा भी ये साल बहुत अच्छा जाए, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत कुछ था जो हम सब ने फेस किया, तो हम लोग को थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी आ गई है तो इस वजह से। और मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी और बढ़ूँगी अपने वीडियो की तरफ आगे। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, आज का वीडियो है मिंत्रा हॉल, जो कि मैंने इधर विंटर्स में काफ़ी कुछ मिंत्रा से परचेस किया था एज अ विंटर वियर। तो मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा हॉल मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिसमें से मैं आपको हर एक आउटफिट की डिटेल देती रहूँगी, और साथ ही साथ उसका परचेज लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, जिसे आप इजीली वहां से जाके ले सकते हो। और चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरा आउटफिट है ये डेनिम जैकेट, जो कि मैंने वियर कर रखी है, आप देख सकते हो। और ये काफ़ी अच्छी मुझे लगी, और मैं फर्स्ट टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने फर्स्ट टाइम डेनिम जैकेट ट्राई की है। मेरे पास इससे पहले कोई भी डेनिम जैकेट नहीं थी, और आप इसका फुल लुक स्क्रीन पर देख लोगे साइड में। और ये काफ़ी अच्छे मटीरियल की है, मतलब ब्लूइश कलर है जैसे कि आप देख सकते हो, और शॉर्ट है, मुझे काफ़ी लॉन्ग नहीं है। आप फुल लुक देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं करती है, जैसे आप सबको पता है डेनिम जैकेट बहुत ज़्यादा वॉर्म नहीं होती है, बट ठीक है, अगर आप स्वेटर पे पहनते हो या आप हाई नेक पे पहनते हो तो ये आपको थोड़ी बहुत तो ठंड से बचा सकती है, खासकर जो थोड़ी स्टार्टिंग वाली ठंड होती है या जो ख़त्म होने वाली होती है, तो उसके पर्पज़ से ये ठीक है। और काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। और बस मुझे थोड़ा सा इसमें, शायद मुझे ऐसा लगता है मेरा थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा है, आप देख सकते हो, बट मैंने इसको रिटर्न इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका साइज़ क्या, ये खुद ही आउट ऑफ स्टॉक थी। तो मैंने सोचा कि ये इतनी अच्छी जैकेट मैं वापस करके और दोबारा मुझे ना मिले, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छी डील में मिली थी, अराउंड 999 की थी, और जो कि अब ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। मैंने एंड ऑफ सीजन सेल के टाइम पे लिया था इसको मिंत्रा से, तो अब ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूँगी इसी साइज़ में। तो ये काफ़ी अच्छा पीस मुझे लगा, और काफ़ी अच्छा इसका मटीरियल भी है अकॉर्डिंग टू प्राइस। और ये था मेरा फर्स्ट परचेज। नेक्स्ट मेरी सेकेंड परचेज है ये टी, जो कि आप देख सकते हो मैंने वियर कर रखी है। ये क्रीम कलर की है, फुल स्लीव्स की है जैसा कि आप देख सकते हो, और इसका नेक कुछ बोट नेक है, और मटेरियल काफ़ी थिन सा है। आप बिल्कुल ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्म के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि बस फैशन के लिए है। आप इसके ऊपर इसको आप अंदर आप पहन सकते हो, इसके ऊपर जैकेट या मतलब कुछ भी आपको हैवी पहनना पड़ेगा अगर आप नॉर्थ साइड में रहते हो। तो इस वजह से मैंने ये टी पहनी है, उसके ऊपर ये डेनिम जैकेट पहनी है, तो ठीक लग रहा है मुझे रूम में। तो कुछ इस तरह का इसका लुक है, आप साइड में स्क्रीन पर देख लोगे मुझे वियर किए हुए। और थोड़ा सा सी थ्रू मटीरियल है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, बट अगर आप इसके अंदर कोई टॉप वगैरह पहनते हो तो चल जाएगा, और प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि ये मुझे कुछ 300 समथिंग की मिली थी, जो कि 300 में यार टॉप भी नहीं मिलते नॉर्मल से, तो वुलन क्या ही एक्सपेक्ट करें हम लोग। तो इस वजह से मैं ये कहूँगी कि अकॉर्डिंग टू प्राइस ठीक है ये। आप इसके अंदर कोई भी मतलब हैवी ठंड अगर आपको लगती है, या आप कहीं ऐसी जगह रहते हो जहाँ ठंड बहुत होती है, तो आप कुछ भी जैकेट है या किसी भी चीज़ के अंदर आप एज अ इनर पहन सकते हो, तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है, एकदम चुभता हुआ नहीं है। मैं काफ़ी देर से इसको पहने बैठी हूँ, मैंने वीडियो शूट किया, मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। बहुत ही सॉफ्ट मटीरियल है, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, बहुत ही आप कह सकते हो कोजी है, बट वॉर्म ज़्यादा नहीं है, बट हाँ ठीक ठीक है। अगर आप थोड़ी बहुत ठंड में करना चाहते हो वियर तो आप इजली कर सकते हो, और इसका लुक आप इधर स्क्रीन पे देख लोगे। तो ये थी मेरी सेकेंड परचेज। नेक्स्ट मैंने अराउंड
चार वुलन स्वेटर्स लिए हैं। तो इसमें सबसे पहले स्वेटर मैं ये आपको दिखाऊंगी, ये कुछ फुल स्लीव्स का स्वेटर है, रेड ब्लैक और ग्रे कलर का है। और यहाँ पे ये आपको राउंड शेप नेक मिल जाता है, और इसमें मेरा साइज़ है एल, जो कि बिल्कुल मुझे लूज फिट है। आप एकदम ये नहीं कह सकते हो बहुत परफेक्ट फिट है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट फिटिंग के स्वेटर्स वगैरह नहीं पहन पाती हूँ, मुझे चुभता है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा लूज ही लिया है। और अगर आप मेरी बॉडी स्ट्रक्चर के हो तो आपको ये बिल्कुल सही लगेगा, कुछ इतनी लेंथ है इसकी। और शॉर्ट स्वेटर है, काफ़ी स्मार्ट लगा मुझे, और वॉर्म भी है। आप ये नहीं कह सकते हो कि बिल्कुल ही एवें ही है, थोड़ा सा मुझे वॉर्म भी लगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ठंड के लिए नहीं है। ऑब्वियसली आप किसी भी जैकेट या डेनिम्स के अंदर इसको वियर कर सकते हो, तो आपकी ठंड बिल्कुल चली जाएगी, लेकिन हाँ अकेले पहनोगे तो ठंड लगेगी आपको। तो ये कुछ मेरा थर्ड प्रोडक्ट न्यू थर्ड पीस है। तो ये था मेरा थर्ड पीस, और इसका प्राइस जो मुझे सेल के टाइम पे मिला था कुछ 600 अराउंड था, बट जो भी एग्जैक्ट प्राइस था मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसका जो आप ट्राई ऑन है आप साइड में स्क्रीन पे देख लोगे। तो ये था मेरा थर्ड परचेज। नेक्स्ट मैंने लिया है वो भी एक स्वेट शर्ट आप बोलोगे या स्वेटर बोलोगे, जो भी आप कह सकते हो। वो कुछ इस तरह का है, मस्टर्ड इन कलर, और इस पे कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनी है सेल्फ पे, फुल स्लीव्स है, और इसमें भी मेरा साइज़ है एल, और ये भी मुझे लूज फिट ही है, बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं है। और वॉर्म भी आपको ये उतना ही मिलेगा जितना वो था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉर्म ये नहीं है। हाँ आप जैकेट और किसी भी हैवी कोट वगैरह के अंदर पहनोगे तो आपको कंफर्टेबल फील होगा, वॉर्म लगेगा। तो ये था मेरा नेक्स्ट परचेज, और इसका भी प्राइस अराउंड कुछ ऐसा ही 600-700 समथिंग का, एग्जैक्ट मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, और आपको साइड में मिल जाएगा इसका लुक बुक। तो ये था मेरा नेक्स्ट परचेज। देन मैंने लिया है ये कुछ हाईनेक के स्टाइल का है, ये देख सकते हैं आप, वाइट कलर की स्लीव्स हैं, रेड कलर के कुछ इस तरह के इसके आप कह सकते हो बॉर्डर हैं, और यहाँ पे पिंक कलर का पूरा स्वेटर है, अगेन रेड कलर का बॉर्डर है, और रेड कलर का इसका हाई नेक है, जो हाई नेक यहाँ पे आएगा। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था मेरे पे, मुझे सब में बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये, काफ़ी स्मार्ट है। और इसमें अगेन मेरा साइज़ है एल, और ये अगेन मुझे ऑफ़र में मिला था, तो आपको ऑफ़र प्राइस और सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और लुक बुक साइड में। तो कीप ऑन वॉचिंग। देन मेरी नेक्स्ट परचेज है मेरी इंस्पिरेशन निधि कटियार जी, जैसा कि आप सब लोग उनको जानते होंगे। तो उन्होंने ये अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, ये वाला स्वेटर। जी हाँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मुझे इस तरह के बैगी स्टाइल जो स्वेटर्स होते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसकी स्लीव्स आप देख सकते हो। और ये काफ़ी लूज था, काफ़ी लूज फिट है मुझे, मतलब बिल्कुल ढीला ढीला सा, बट इसका जो लुक है बहुत अच्छा आ रहा था। अगेन मैंने उन्हीं को देखा था पहने हुए, और उनका भी साइज एल है, मेरा भी साइज एल है, बट ये बहुत ही अच्छी आपको कह सकते हो आप, बहुत कंफर्टेबल, बहुत कोजी, और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो वॉर्म भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही गर्म नहीं है। जब आप पहनोगे तो आपको अंदर से लगेगा कि हाँ कुछ मैंने पहन रखा है ढंग का, क्योंकि क्योंकि इसका मटेरियल आप देख सकते हो थोड़ा सा फर वाला है, जो कंबल वगैरह में और ब्लैंकेट वगैरह में होता है वो वाला इसका ऊपर का मटेरियल है, अंदर भी कुछ इसी तरह का है, और थोड़ा सा थिक है बाकियों से, थोड़ा सा थिक है, तो थोड़ा सा आप इसको कह सकते हो गर्म है। मैंने अभी इसको पहना नहीं है, बट मैं आपको ट्राई ज़रूर करके दिखाऊंगी स्क्रीन पे साइड पे। और इसका साइज़ कुछ इस तरह का है, मतलब शॉर्ट ही कहा जाएगा, और जीन्स वगैरह पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। आप सूट पे भी पहन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट सूट जीन्स पे थोड़ा सा स्मार्ट लुक दे रहा था। देन लास्ट जो मैंने आउटफिट आउटफिट जो मैंने विंटर वियर लिया है वो है एक जैकेट, आप कह सकते हो कोट कह सकते हो, जो भी आप कहते हो, बट ये इसको तो मैं जैकेट ही कहती हूँ, शॉर्ट जैकेट। तो ये कुछ इस कलर की है, कैमल कलर आप इसको कहोगे, और काफ़ी गर्म है ये, और इसमें भी अगेन मेरा साइज़ है एल, और
काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट पीस है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरे पास बहुत सारे कलर्स की जैकेट है तो मैंने सोचा ये कुछ नया ट्राई किया जाए, तो मैंने ये कलर सेलेक्ट किया था। इसी में आपको मिलिट्री कलर जो होता है, मिलिट्री ग्रीन, वो कलर भी मिल जाएगा, और मस्टर्ड कलर भी आई थिंक है, बट मुझे ये कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इस कलर को ट्राई करूँ। मिलिट्री कलर का मेरे पास कोट है तो इस वजह से मैंने वो कलर नहीं लिया, बट वो कलर भी बहुत इक्वली अच्छा था और अच्छा खासा वॉर्म जैकेट है ये। और ये अराउंड मुझे 999 का मिला था, कुछ ऑफर प्राइस था, एंड ऑफ सीजन सेल के बाद का ये कुछ डील थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को मिली थी तो उन्होंने कहा कि 2000 में दो जैकेट्स हो जाएंगी, तो एक उन्होंने ली एक मैंने ली, तो ये था कुछ डील। तो आप कह सकते हो 999 में ये एक जैकेट है। सो ये था मेरा वीडियो मिंत्रा का, आप कह सकते हो विंटर वियर का हॉल। तो बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही पीसेस थे जो मैंने लिए, बट मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ, तो आपको कुछ अगर चाहिए हो तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और कमेंट डाउन बिलो। और हाँ, मेरे ब्लॉग चैनल को भी आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आने वाली हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉग हैं वहाँ, नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देखो, आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आने वाले समय में भी बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। तो प्लीज़, और यस, अगर आपने मेरा ये लुक नहीं देखा है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मैंने ये लुक इंस्टाग्राम पे ही शेयर किया है। और सब कुछ अगर अच्छा लगे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लेना, दोनों चैनल पे। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।